गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। आज EMBS में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, सीड्स एंड सीड बीज। तो हम इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट देम, दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे ऑफ देयर हॉलीडे। गोपाल जो है उसकी मौसी की फैमिली का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो अगले दिन हॉलीडे के आने वाले थे। ही वुड थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड डैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन्स। वो है जो है वो इंतज़ार कर रहा था हम लोगों का कि वो आए तो हम फन करेंगे, मस्ती करेंगे और कुछ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, इतने में उसकी मम्मी ने उसको गोपाल को आवाज़ लगाई। गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सॉक टू स्मॉल बाउल्स कटोरी ऑफ चना ग्राम, कि तुम सोने से पहले दो कटोरी चना जो है गला देना पानी में। शी वॉज गोइंग टू भुआ हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, वो भुआ के घर जा रही है और वो अगली सुबह को आएगी। एज ही वॉज सॉकिंग द चना, गोपाल थॉट, जब वो गोपाल जो है चने जो है गला रहा था तब उसके दिमाग में ख्याल आया, हाउ विल टू कट टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन, कि दो कटोरी चना 8 लोगों के लिए कितना मतलब कैसे जो है ठीक हो सकता है। सो ही सॉक्ड अनदर टू बाउल्स ऑफ चना, तो उसने दो और कटोरी चने जो है गला दिए। व्हेन द मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मम्मी अगली सवेरे घर पे आई, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, तो उन्होंने देखा कि बर्तन में से जो है चना जो है ओवरफ्लो मतलब बिखर रहे थे। हाउ मच डिड यू सॉ, गोपाल से उसकी मम्मी ने पूछा कि तुमने कितने गलाए थे। आस्क हिज मदर, हाउ डिड इट हैपन, वंडर गोपाल। गोपाल जो था वो आश्चर्यचकित था कि वो ये ऐसे कैसे हो सकता है। यू सॉ डू टू मच, उनकी मम्मी ने कहा कि तुमने बहुत ज़्यादा गला दिए थे। एनी वे इट इज़ गुड नो, वो जो भी है ठीक है। एंड आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, कि मैं इसमें से आधे चने तो जो है बना लेती हूँ और जो बचे हुए चने ना स्प्राउट करने के लिए रख देती हूँ, मतलब अंकुरित करने के लिए। आई कैन सेंड दिस टू आंट, द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, मैं ये आंट के यहाँ भेजती हूँ, आंटी के यहाँ, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने अंकुरित चीज़ें खाने की सलाह दी है। मदर सेड शी ट्राइड हाफ ऑफ द सॉफ्ट चना इन द वेट क्लॉथ एंड हग देम अप टू स्प्राउट, उन्होंने जो किया आधे जो चने थे उनको एक गीले कपड़े में बांधा और उन्हें ऊपर रस्सी पे टांग दिया। डिस्कस व्हाट थिंग आर फाउंड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस वाइफ, कि कौन सी चीज़ आपके घर में गलाई जाती है खाना बनाने से मतलब बनाने से पहले। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, मतलब अंकुरित करने के बाद आप कौन सी चीज़ें खाते हो। हाउ आर दे स्प्राउटेड, उन्होंने कैसे अंकुरित किया जाता है। हाउ मच टाइम डू इट टेक, कितना समय लेती है। हैज द डॉक्टर और समवन नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, क्या आपको कभी डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने को बोला है और क्यों। डू दिस एंड फाइंड आउट, आपको करना है। और डू यू रिमेंबर डेट इन क्लास फोर You did an activity with seed, not try another one. क्या आपको पता है आपने क्लास फोर्थ में कोई एक्टिविटी की थी क्या, मतलब बीज के साथ अगर नहीं की हो तो अब ये करना है। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, आपको कुछ चने लेना है और 3 कटोरी लेना है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर, आपको जो है पहली कटोरी में 5 चने गलाना है, 5 चने रखना है, उससे पानी से भर देना है। पुट ए डम पीस ऑफ क्लॉथ एंड सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बॉल, नो कीप द सम नंबर ऑफ चना इन इट, मेक श्योर दैट द कॉटन वूल एंड क्लॉथ रिमेन वेट। देखिए आपको रुई लेना है और एक कपड़ा लेना है, उसे गीला करना है और गीला करने के बाद उसमें कुछ 5 चने उसमें लपेट कर रख देना है और पर ये ध्यान रखना है कि इसे सूखने नहीं देना है। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बॉल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, तीसरी कटोरी है उसमें आपको कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ चने ही रखना है। कवर ऑल 3 बॉल्स, अब आपको वो कवर कर देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 डेज एंड नॉट द चेंजेस इन द एवरी बॉल, देखिए अब उसको आपको कवर करके रख देना है। अब उन तीनों कटोरियों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको इस टेबल में लिखना है। आर द सीड गेटिंग एयर, क्या वो उन जो चने थे उनमें क्या हवा लग रही थी, तो बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3 ऐसे ही आप यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल लिखना है। आर द सीड गेटिंग वाटर, वॉट चेंजेस डिड यू सी, हैव दे आर स्प्राउटेड, आपने क्या चेंजेस देखा, क्या अंकुरित हुए। टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, कौन सी बाउल में जो है जो चने थे अंकुरित हुए।
व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन द बाउल एंड द अदर बाउल, और आपने उन बाउल्स में क्या डिफरेंस देखा। व्हाट डिड गोपाल मदर टाई द चना इन द डंप फ्लोर, गोपाल की मदर ने जो है वो चने गीले कपड़े में क्यों रखे थे। लुक केयरफुली एट यूर स्प्राउटेड चना एंड मेकिंग इट ड्राइंग, आपको चने को स्प्राउटेड चने को देखना है, उसके ड्राइंग बनाना है। प्रोजेक्ट प्लांट यूर सीड, आपको सीड को उगाना है। टेक ए क्ले पॉट एंड टिन कैन बी मेड विथ ए वाइड माउथ, मेक ए स्मॉल होल इन द बॉटम ऑफ द कैन, जो आपको एक गमला है कोई ऐसी चीज़ लेना है चौड़े मुखी जिसमें एक नीचे आपको छेद करना है। फिल यू कैन विद द सोइल, उसे पूरा मिट्टी से भरना है। पुट 4 or 5 सीड ऑन द सेम काइंड इन द सोइल, फिर उसमें 4 या 5 बीज अलग अलग प्रकार के उसमें डालना है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सीड जैसे सच एज मस्टर्ड, सरसों, मेथी, तिल, धनिया, इन सबके अलग अलग बीज आपको उसमें डालना है। फिर अब यहाँ पर बताना है आपको नेम द सीड, आपने कौन सा सीड उसमें डाला है, द डेट ऑफ विच यू प्लांटेड, आपको प्रैक्टिकल करना है घर पे, उसमें कौन सा आपने सीड डाला है, कितनी तारीख को डाला है और आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया है, आपको ये पूरी टेबल फिल करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से बाहर आने में सॉइल मतलब बीज को कितने दिन लगे। व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, फर्स्ट और सेकेंड डे में हाइट में कितना चेंजेस आया। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, ज़्यादा कौन से दिन ज़्यादा जो है प्लांट की हाइट इंक्रीज हुई। डिड न्यू लीव्स कम आउट फ्रॉम द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन एक नई पत्ती आई क्या प्लांट से। वॉज देयर एनी चेंजेस इन द स्टीम ऑफ प्लांट, क्या प्लांट की स्टीम में कोई चेंजेस आया। डिस्कस विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टीम टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, ज़्यादा समय कौन से बीज वाले कौन से मतलब कौन से पौधे को लगा, कौन से बीज वाले पौधे को लगा बाहर आने में मिट्टी से। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट फ्रॉम द, ज़्यादा दिन किसको लगे। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन सा बीज नहीं उग सका और क्यों। डिड एनी वन प्लांट ट्राई अप टर्न येलो, क्या कोई सा पौधा जो है येलो हो गया है, वो ऐसा क्यों हुआ है। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स आर नॉट गेट वाटर, अगर पौधों में पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज द इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है। हाउ डज ए बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टाइनी सीड, इतने छोटे बीज से इतना बड़ा प्लांट कैसे उगता है। ये आपको वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया है, तो अब हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। पेज नंबर 46 हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आपको इसके फोटो भी सेंड कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल जो बताएं वो करना है और अच्छे से वीडियो को सुनना है। थैंक यू।